अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आपको एक नए ब्लॉग के साथ अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ये ब्लॉग कुछ दोबारा है, मतलब कि आप सोच रहे होंगे पहले भी मौसम का ब्लॉग बना चुका है तो अभी फिर दोबारा बना रहा है। तो मौसम इस तरह का नहीं, पहले तो बारिश कम थी, आज फिलहाल बहुत बड़ा तरह तूफान भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे मेरे, ठीक है। तो आज खाते हैं आपको और आज देखते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है तो आज कुछ खाना पीना भी बनाते हैं, कुछ चीज़ देखते हैं क्या बनाते हैं। तो वीडियो को साथ रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, स्टार्ट भी होगी कि हवा बहुत ही ज़्यादा है तो उसकी हिफाजत। समझ तो आगे होगी आपको कि देखा वो आ कितनी ज़्यादा है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन माशाल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। हवाएँ तेज़ हैं लेकिन साथ बारिश भी अच्छी बूंदें लगी हुई हैं जिससे मौसम और बदला हुआ है। तो वीडियो को तो फिलहाल जी तूफान से अभी तूफान थोड़ा सा टल गया, हवाएँ चल रही है, थोड़ी आस्था हो गई है और धीमी धीमी बारिश भी स्टार्ट हो गई है जिससे मौसम बहुत ही खुशगवार हो चुका है। तो तूफान ने पूरे घर का सत्यानाश कर दिया, लेकिन मौसम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो गया है। A few moments later. तो आज मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है तो आज हम बना रहे हैं ब्रोस्ट। तो उससे पहले जी इसके ऊपर लगाएंगे गोश्त को, पहले अच्छी तरह धो लें, उसके बाद इस पर काली मिर्च और सिरका लगा दें और नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे तकरीबन फ़िलहाल 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें ताकि अच्छी तरह से जज़ब हो जाए और मौसम बहुत ही प्यारा बन। चुका है हवा से रुक चुकी है बारिश और अभी बादल आ चुके हैं। फिर रशमान साहब जी मोटरसाइकिल से पंगे लेते हुए ऐसे ना कोई होता है कि हर वक्त कोई ना कोई शरारते करते ही रहता है। तो अभी आ चुके हैं बाइक, जो हमने कोश रखा तो वो जगह पे सही आ जाएगा पोजीशन में। तो अभी जा रहे नमाज के लिए, वहाँ चलते हैं तो मिलते हैं आपको फिर। वापस आ चुके हैं जी, तो पहले तो जी हमारा जो रेडी हो चुका है इसे पे अच्छी तरह मैदे में और पीस को अलग से अच्छी तरह से इसे मैदे के साथ जोड़ दें। तो जी अच्छी तरह से इसे मैदे के साथ टिप कर लें, इसके साथ वो गट्ठा कर लें सबको। तो तेल में दोबारा डाल के
इसे थोड़ा सा हिला लें और फिर इसे दम पे रख दें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से अंदर से गल जाए गोश्त। A few moments later. तो अभी जी फिलहाल इसे दम से उतारा दोबारा, तो अभी इसकी तो जी कंडीशन चेंज होगी, मतलब कि देख लुक वाइज। तो अभी फिलहाल से थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, बस रेडी हो चुके हैं। तो ये है जिसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। जिसने खाने हैं आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ही खाने लगा हूँ इसे, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब खाने में टेस्ट वाइज भी चेक करते हैं कैसे हैं। तो माशाल्लाह बादल मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है, ठीक है जी। तो आज का व्लॉग यही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दबाव पे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। This is the future. Evolution.